हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर प्री ओन कार वीडियो। सो आज हमारे पास आई है होंडा सिटी कार जो कि सेल के लिए है। ये गाड़ी जो है 2018 का मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है और मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड गाड़ी फर्स्ट ओनर है। गाड़ी सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली और गाड़ी मिंट कंडीशन में है। तो इस वीडियो में हम आपको इस कार की सारी डिटेल शेयर करेंगे, गाड़ी का एक्चुअल कंडीशन क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे, वीडियो के एंड में आपसे इसका प्राइस भी शेयर करेंगे। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहां आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो गाइस, शुरुआत करते हैं कार के एक्सटीरियर से। कार के एक्सटीरियर से ओवरऑल कंडीशन कैसा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटोफिक्स एडवांटेज के बारे में। सो गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय या यूज़ कार, अगर आप कोई प्री ओन कार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मोटोफिक्स एडवांटेज में आपको काफ़ी अच्छा ऑफर मिलने वाला है विद डील ऑन कमीशन बेसिस। मोटोफिक्स एडवांटेज में हमारे टेक्नीशियन कार का थरो इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बैटरी, टायर, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करके प्रॉपरली इसका रिपोर्ट तैयार करके आपसे शेयर करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। मोटोफिक्स एडवांटेज में आपको इस कार के साथ 1 ईयर अनकंडीशनल वारंटी भी मिलेगी विद रिगार्ड्स टू द सर्विस एंड द मेंटेनेंस नीड्स एंड साथ ही साथ आपको 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी मोटोविक्स की तरफ से। इस कार के साथ आपको 100% फाइनेंस का भी ऑप्शन मिलेगा विद सब्जेक्ट टू द क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। हेलो गाइस, दिस इज भरत श्रीधर, को फाउंडर ऑफ मोटोफिक्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो है होंडा सिटी पेट्रोल वेरियंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली है, एकदम नए के बराबर है, मिंट कंडीशन में। तो बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो होंडा ने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक दिया है इसके इंटीरियर को। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा क्लासी है और इसको बहुत ही प्रीमियम लुक मिला है। यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम का पैनल देखिए, इसको बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ग्लॉसी लुक दिया है जो बहुत ही रिच लगता है। इसका टच स्क्रीन पैनल है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इसमें सारे फीचर्स हैं, नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारे फीचर्स भरे पड़े हैं। और अगर इसकी एसी की बात करें तो इसमें फुल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है और यहाँ पे भी टच स्क्रीन दिया हुआ है, टच पैनल्स है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो बात करते हैं इसकी एसी की कूलिंग की। तो कूलिंग इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली है ये गाड़ी, तो एकदम नए के बराबर है, तो कूलिंग का कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये वी मॉडल है तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, तो ये कीलेस एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है जिसमें आप बॉटल या कप्स या कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है जिसमें काफ़ी कंफर्ट मिलती है और इसमें अंदर स्टोरेज भी है। तो इस गाड़ी की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें फुल स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, यहाँ पे आप फुल इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो है क्रूज़ कंट्रोल, तो आप हाईवे में जब भी चला रहे हैं आप इजीली इसको क्रूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी मिरर जो है वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड होते हैं और इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस गाड़ी के रेयर सीट एक्सपीरियंस की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि होंडा सिटी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें स्पेस ही स्पेस है। पीछे बैठने के लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शॉफर ड्रिवन कार जैसी हो सकती है ये, तो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लेग स्पेस है इसमें। तो इसमें आप एक अच्छा आर्मरेस्ट भी मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, इसमें 2 जन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं, एक तीसरा आदमी भी इसमें बैठ सकता है पर वो थोड़ा क्रैम्प हो सकता है, बट 2 जन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। यहाँ पे पीछे 2 एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं जिसको आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो काफ़ी बड़े वेंट्स हैं ये, तो ये काफ़ी अच्छा कूलिंग दे रहे हैं पीछे बैठ के भी। तो बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की। तो इसमें काफ़ी सामान रखा हुआ है हम लोग ने ऑलरेडी और इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप कंफर्टेबली बहुत सारा लगेज रख के लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं कार के थरो इंस्पेक्शन से, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन सबसे पहले करते हैं, जिसमें हम लोगों ने नोटिस किया कि कार के सारे लाइट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। वाइपर्स हम लोगों ने इंस्पेक्ट किए, वाइपर भी बराबर काम कर रहे हैं। रियर के सारे लाइट्स हम लोगों ने चेक किए, वो भी बराबर काम कर रहे हैं। इंटीरियर के हम लोगों ने रूफ लाइट, एसी, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की, सारे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी कम चली तो इसमें कोई भी काम नहीं है। कार के चारों पावर विंडोज और सेंट्रल लॉक की भी हम लोगों ने इंस्पेक्ट किए, सब बराबर है। कार का बैटरी हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला कि कार की जो बैटरी है वो थोड़ी वीक है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी कम चली है उस वजह से इसकी बैटरी की जो हेल्थ है वो थोड़ी वीक है। फर्दर हमने कार का बॉडी लाइन इंस्पेक्ट किया, वायरिंग इंस्पेक्ट की, सारे प्रॉपर कंडीशन में है।
फर्दर अभी हम लोग कार का मैकेनिकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं। जैक पे हम लोग कार को ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसके चारों व्हील बेरिंग्स चेक करेंगे एंड इसका सस्पेंशन चेक करेंगे। तो जिसमें हमें चारों व्हील बेरिंग की कंडीशन काफ़ी अच्छी मिली, स्टेयरिंग रैक में और बॉल जॉइंट में भी कोई प्ले नज़र नहीं आया। फर्दर हमने कार के ब्रेक्स इंस्पेक्ट किए जिसमें डिस्क की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी एंड ब्रेक पैड की हेल्थ जो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। एंड ऐसे ही हम लोगों ने रियर के ड्रम ब्रेक्स का भी इंस्पेक्शन किया जिसमें हमें लाइनर की हेल्थ काफ़ी अच्छी मिली एंड व्हील सिलेंडर का जो कंडीशन वो भी काफ़ी अच्छा है, वो जाम नहीं था और उसमें कोई लीकेजेस नहीं थे। फर्दर हमने कार का टायर इंस्पेक्ट किया तो ये 2018 का टायर है, कार के साथ वाला टायर है जिसमें कोई भी डैमेज हमें नज़र नहीं आया। एंड इसका जो डेप्थ था, हमने डेप्थ गेज से इसका डेप्थ भी चेक किया तो इसका डेप्थ जो है वो 4 mm का डेप्थ आ रहा था। तो चारों टायर्स की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। फर्दर हमने कार का फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन का थरो इंस्पेक्शन किया जिसमें हमें कोई भी काम नज़र नहीं आया। फर्दर और डिटेल में चेक करने के लिए हम लोगों ने कार का कंप्लीट अंडरबॉडी इंस्पेक्शन किया जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया कि कहीं इंजन ऑयल गियर ऑयल का कोई लीकेज वगैरह है क्या, कूलेंट लीकेज कुछ है क्या, तो कोई लीकेज कंसर्न हमें नज़र नहीं आया। नेक्स्ट हमने लोअर आर्म के बुशिंग सारे चेक किए, स्टेयरिंग रैक में कोई प्ले है क्या, वो सारी चीज़ें चेक की तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। ऐसे ही हम लोग पीछे की तरफ जाके साइलेंसर का कंडीशन इंस्पेक्ट कर रहे थे, ब्रेक लाइंस की सारे पाइप्स इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। रियर के शॉक एब्जॉर्बर का भी कंडीशन काफ़ी अच्छा था, कॉइल स्प्रिंग की पैच भी अच्छी थी एंड रियर का जो साइलेंसर का मफलर है वो भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में था। क्योंकि गाड़ी की रनिंग काफ़ी कम थी इसके लिए इसमें कोई भी काम नहीं था, गाड़ी की कंडीशन ऑलमोस्ट न्यू जैसी थी। सो गाइस, मैं आया हूँ इस कार का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जो है होंडा का 1.5 लीटर पेट्रोल वीटेक इंजन है, आई वीटेक इंजन। तो ये जो है 118 ब्रेक हॉर्स पावर देता है एंड 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो गाड़ी स्मूथली आगे चली जाती है क्योंकि गाड़ी नई के बराबर चली, सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली तो गाड़ी नए जैसी एकदम। तो हैंडलिंग वाइज भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, हमें बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कार चलाते वक्त। गाड़ी का पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है और इंजन बहुत ही स्मूथ है। केबिन के अंदर इंजन का नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, होंडा की कार जो है वो हमेशा साइलेंट ही होती है। एंड ख़राब रास्ते से भी गाड़ी जो है पूरा ग्लाइड होके जा रही है, बिल्कुल भी अंदर मतलब झटके ज़्यादा नहीं लग रहे। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कार का जो ब्रेक है वो भी बहुत ही बढ़िया है और इंस्टेंटली कार को जो है स्मूथली रोक देता है, ब्रेकिंग की भी कोई कंप्लेंट नहीं है इस कार में। कार की अगर फ्यूल माइलेज की हम लोग बात करें, फ्यूल इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो हम सिटी में इस कार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12-13 किलोमीटर पर लीटर दे दे एंड हाईवेज पे ही अराउंड 15-16 किलोमीटर पर लीटर दे सकती है। सो गाइस, आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट में जो कि इस कार की प्राइसिंग, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस कार का आस्किंग प्राइस है 8,90,000 रुपीज़ ओनली, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल नए के बराबर है। इस कार के साथ आपको 100% फाइनेंस का भी ऑप्शन मिलेगा विद सब्जेक्ट टू द क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। साथ ही साथ आपको इस कार के साथ 1 ईयर अनकंडीशनल वारंटी भी मिलेगी विद रिगार्ड्स टू द सर्विस एंड द मेंटेनेंस नीड्स। साथ ही साथ आपको 1 ईयर फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छा डील है, कॉन्टैक्ट अस नाउ फॉर अ हैसल फ्री कार परचेज एक्सपीरियंस। सो गाइज, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ़।